प्रिय बच्चों आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे बहु आर्वी कोलाइड, बृहद आर्वी कोलाइड और सहचारी कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको कोलाइड के बारे में बताया गया होगा, कोलाइड के दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया था। दो प्रकार के मिलने से ही कोलाइड का निर्माण होता है, जिसे सबसे पहला जो बताया गया था परिक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रवस्था, यानी प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मिलने के आधार पर कोलाइड बनते हैं। अब उसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था जो होता है उनके कणों के आकार के आधार पर, समझिएगा इस बात को, प्रक्षिप्त प्रवस्था के कणों के आकार के आधार पर उनको तीन भागों में बांटा गया। पहला है बहु आर्वी कोलाइड, दूसरा है बृहद आर्वी कोलाइड और तीसरा है सहचारी कोलाइड। ये जो है प्रक्षिप्त प्रवस्था डिस्पर्शन फेज के साइज उनके घटक के कणों के आधार पर बांटा गया। सबसे पहले बात करते हैं बहु आर्वी कोलाइड, जिसे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड कहते हैं, जबकि ये जो होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड कहते हैं, जबकि एसोसिएट कोलाइड कहते हैं, एसोसिएट कोलाइड, या इसी को हम लोग मिसेल भी बोलते हैं, मिसेल। ये हमारा हो गया मल्टी, मैंने जाहिर सी बात है आपको मल्टी पढ़े होंगे, मल्टी माने मेनी, मेनी मीन्स बहुत, मॉलिक्यूल्स जिसे हम कहते हैं, माइक्रो लार्ज, लार्ज माने बड़ा, ये हमारा अणु होगा, एसोसिएट माने जुड़ना कोलाइड। सबसे पहले बात करते हैं जब छोटे छोटे कण, यानी कण का मतलब अणु होगा, जब छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ करके एक बृहद यानी एक बड़े कोलाइड का निर्माण करता है, तो उनके जो कण होंगे बहु आर्वी कोलाइड कहलाएंगे। एक बार और समझिएगा, जब छोटे छोटे बहुत से अणु आपस में जुड़ करके एसोसिएट होकर के कोलाइड का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार के कोलाइड को हम लोग बहु आर्वी कोलाइड कहते हैं, क्योंकि यह छोटे छोटे लगभग 100 से 10,000 छोटे छोटे अणुओं के मिलने से यह जो कोलाइड बनता है बहु आर्वी कोलाइड कहलाता है। जैसे सल्फर एट, ये भी बहुत से सल्फर के अणु आपस में मिलकर के कोलाइड का निर्माण करते हैं, यह बहु आर्वी कोलाइड कहलाता है। इसी तरह से सल्फर के जो साल होते हैं लगभग 1,000 छोटे छोटे अणुओं के मिलने से कोलाइड बनता है। दूसरी चीज, यह जो होंगे इनके जो अणु होंगे बहुत छोटे होंगे और आपस में मिलकर के एक बड़े कोलाइड का निर्माण करते हैं। बृहद आर्वी क्या होता है आपको बताया गया है, 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के रेंज में पाए जाते हैं कोलाइड के कणों के आकार, अर्थात इन्हीं के रेंज में, अर्थात बड़े बड़े कोलाइडी कण जब आपस में मिलते हैं तो जो कोलाइड का निर्माण करेंगे, उच्च अनुभार वाले कोलाइड का निर्माण करते हैं, उसे माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है, छोटे छोटे अणु मिलकर के बड़े अणु का निर्माण करते हैं, कोलाइड का निर्माण करते हैं, जबकि यहाँ बड़े अणु आपस में जुड़ करके उच्च अनुभार वाले कोलाइड बनाते हैं, तो उसे हम लोग बृहद आर्वी कोलाइड कहते हैं। जैसे पॉलीथीन है, सेलुलोस है, ये जो होंगे एल्बुमिन है, प्रोटीन है, ये सब उच्च अनुभार वाले, इनके अनुभार इतने अधिक होते हैं 10,000 से भी अधिक इनके अनुभार होते हैं, और बड़े बड़े अणु आपस में आकर के जुड़ते हैं, जबकि इसमें छोटे छोटे अणु आकर जुड़ते हैं।
सहचारी कोलाइड में क्या अंतर है? इसमें अणु रहते हैं, छोटे छोटे अणु आकर मिलते हैं, जबकि इसमें आयन बनते हैं। यानी छोटे छोटे आयन मिल करके जो कोलाइड का निर्माण करते हैं, विलयन का निर्माण करते हैं, सांद्रता का निर्माण करते हैं, तो वह सहचारी कोलाइड कहलाता है। दोनों में मुख्य अंतर, ये अणु होते हैं, इसमें आयन होते हैं। आयन आपस में एसोसिएट होकर के कोलाइड का निर्माण करते हैं, तो उसे सहचारी कोलाइड कहते हैं। दूसरी चीज, बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करते हैं, और जब सांद्रता को अधिक कर दिया जाता है तो वह कोलाइड की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात वह पुंज बना लेते हैं। तो उस पुंज को, उस कोलाइड को ही मिसेल कहते हैं, और ये मिसेल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर ही ये बनता है। जैसे साबुन, साबुन भी ये मिसेल की तरह कार्य करता है। इसके बारे में, इसकी क्रिया विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब एक निश्चित ताप होगा, उस निश्चित ताप से अधिक ताप पर ही मिसेल बनते हैं, और जिस ताप पर यह बनते हैं उस ताप को हम क्राफ्ट ताप कहते हैं। समझिएगा, क्राफ्ट ताप, क्राफ्ट ताप। निश्चित ताप से अधिक ताप पर ही मिसेल बनता है, और जिस ताप पर बनता है वह ताप क्राफ्ट ताप कहलाता है। और एक निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता पर ही ये मिसेल बनते हैं, और उस सांद्रता को ही कहते हैं CMC, क्राफ्ट मिसेल कंसंट्रेशन। समझिएगा, इसी को क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं, CMC। एक निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता पर ही मिसेल बनता है, और जिस सांद्रता पर मिसेल बनेगा उस सांद्रता को CMC यानी क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कहते हैं, जिसे क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। दो सीटी आगे देखिए, तीनों में यह लायोफिलिक होते हैं, जबकि यह लायोफोबिक होंगे, क्योंकि यह बड़े बड़े अणु होते हैं, आसानी से कोलाइड विलयन नहीं बनाते हैं, आसानी से द्रव की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, जबकि आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। और आपने पढ़ा है जो आसानी से आकर्षित हो जाते हैं उसे द्रव स्नेही, जो आकर्षित नहीं होते हैं उसे द्रव विरोधी कहते हैं। तो बहुआणविक द्रव स्नेही प्रकृति के होते हैं, जबकि बृहद आणविक द्रव विरोधी प्रकृति के होते हैं, जबकि सहचारी दोनों होता है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी दोनों होता है, अर्थात लायोफिलिक और लायोफोबिक दोनों नेचर के होते हैं। इसमें हमने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया है, ये हमारे सल्फर के आठ है, उसी तरह से गोल्ड के साल बनाएंगे, पॉलीथीन है, सेलुलोस है, ये जो होते हैं जितने प्रकार के संश्लेषित रबर आते हैं, रेयान है, ये साबुन वगैरह जितने होते हैं, साबुन की जो क्रिया विधि है सब मिसेल बनते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।